सो हेलो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ नए वीडियो साथ। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने लाइट रूम वाले एप्लीकेशन में। आपको सबसे पहले चले जाना है अपने लाइट वाले ऑप्शन में। कंपोजर हल्का सा इंक्रीज कर देना है, कॉन्ट्रास्ट हल्का सा इंक्रीज, शेडो को इंक्रीज कर देना है फ्रेंड्स, और हाईलाइट को फुली डिक्रीज। इतना होने के बाद फ्रेंड्स, आपको चले जाना है अपने विंटेज वाले ऑप्शन में। आपको विंटेज को डिक्रीज कर देना है और टेक्सचर हल्का सा इंक्रीज। इतना होने के बाद फ्रेंड्स, आपको चले जाना है डिटेल वाले ऑप्शन में। शार्पनिंग को हल्का सा इंक्रीज, रेडियस को इंक्रीज, मास्किंग को इंक्रीज, नॉइस रिडक्शन को इंक्रीज, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज, कलर नॉइस को इंक्रीज, स्मूथनेस को 100%, डिटेल को 100%। इतना होने के बाद फ्रेंड्स, चले जाना अपने कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन जाने के बाद आपको मिक्स पे चले जाना है। मिक्स पे फ्रेंड्स जाने के बाद आपको सेकंड वाला लेकर ऑरेंज वाला, सेकंड वाला आपको इतना छोड़ देना है, और जो थर्ड वाला ल्यूमिनेंस हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। इतना होने के बाद चले जाना है येलो वाले ऑप्शन में। येलो में जाने के बाद सेकेंड वाला डिक्रीज, फर्स्ट वाला इंक्रीज। इतना ही ग्रीन में करने के बाद सेकेंड वाला इंक्रीज, फर्स्ट वाला इंक्रीज, और थर्ड वाला हल्का सा इंक्रीज। उसके बाद स्काई वाले में जाने के बाद सेकेंड वाला डिक्रीज, फर्स्ट वाला इंक्रीज। ब्लू में जाने के बाद सेकेंड वाला डिक्रीज, फर्स्ट वाला इंक्रीज। पर्पल वाले में जाने के बाद सेकेंड वाला डिक्रीज, फर्स्ट वाला इंक्रीज। उसके बाद पिंक वाले में जाने के बाद फर्स्ट वाला इंक्रीज। इतना होने के बाद फ्रेंड्स, आपको चले जाना अपने मास्किंग वाले ऑप्शन में। प्लस वाला आइकन लेना है, ब्रश लेना है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इसको पूरा जो है इसको सेट कर देते हैं। सेट होने के बाद फ्रेंड्स, हमें जहाँ पे इफेक्ट नहीं चाहिए उसको इरेज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें जितना इरेज करना है उतना इरेज कर देते हैं, जितना इफेक्ट हमको नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, उसका इरेज वाला आप लेकर उसको इरेज कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना होने के बाद आपको ब्रश वाला एप्लीकेशन क्लिक करके आपको अपने ब्राइटनेस वाला ऑप्शन जाना है। हल्का सा कंपोजर को इंक्रीज कर देंगे, उसके बाद विंटेज वाले में जाएंगे, टेक्सचर को इंक्रीज, क्लैरिटी को इंक्रीज कर देंगे। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो थोड़ा HDR लग रहा है। फ्रेंड्स, क्लैरिटी को यहाँ पर हम 100% कर देते हैं। इतना होने के बाद फ्रेंड्स, हम अपने फ़ोटो को सेव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सेव होने के बाद आपको अपने फ़ोटो को शेयर कर देना है अपने ऑटोडेस्क वाले एप्लीकेशन में। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने ऑटोडेस्क वाले एप्लीकेशन में। उसके बाद आपको चले जाना है, आप मेरा पहले ब्रश देख ले सकते हैं मैं कौन सा ब्रश लिया हूँ, और मेरा सेटिंग देख लीजिए। स्ट्रेंथ मेरा 70 है, फ्लो 1 है, और जो साइज है अपने हिसाब से बड़ा घटा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए इसको स्मूथ करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ फ्रेंड्स।
सो फाइनली फ्रेंड्स, हम आप अपने फ़ोटो को स्मूथ कर चुके हैं। तो चलिए, आपको अपने फ़ोटो को शेयर कर देना है अपने पिक्सार्टर एप्लीकेशन में। चलिए मैं शेयर कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने पिक्सार्टर एप्लीकेशन में। पिक्सार्टर एप्लीकेशन में आने के बाद आपको चल जाना है इफेक्ट वाले में। सो फ्रेंड्स, इफेक्ट में जाने के बाद आपको HDR में चले जाना है। HDR में अपने फ़ोटो को जूम करके देख लीजिएगा कहाँ पर सही आपको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं अपने फ़ोटो को फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं आप अपना इरेज कर लेता हूँ जो इफेक्ट ज़्यादा पड़ा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना इतना सेट करने के बाद अपने फ़ोटो को आपको लेकर चले जाना है अपने रिटच वाले ऑप्शन में। रिटच में जाने के बाद आपको चले जाना है आई कलर में। तो फ्रेंड्स, आई कलर में जाने के बाद मैं अपना ये वाला आई चूज कर लेता हूँ और इसको इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना जो आई है उसको सेट कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। इतना होने के बाद फ्रेंड्स, आपको सही वाले क्लिक कर देना है। सही वाले क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको चले जाना है। सो फ्रेंड्स, इतना हो जाने के बाद आपको चले जाना है अपने फ़ोटो को टूल्स वाले में। टूल्स वाले जाने के बाद मैं अपना रिसर्च कर लेता हूँ फ्रेंड्स।